जी ले रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ यूट्यूबर यूट्यूबर जी चलिए डांस करिए। गाना बजाओ गाना बजाओ भाई आंटी 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 आप भी कि हमने बहुत मजा आया खूब डांस नाच गाना और देखा भी आप सबने। वाह क्या बात है यहाँ देखिए दरअसल हमारे प्रभु के अभी से हमें सब्सक्राइबर्स हमारे आपको यही मिल गए हैं आए हुए हैं। मैम मैं गुजरात से आई हूँ श्री पंचदस नाम जुना अखाड़ा से हूँ जी एवं किन्नर अखाड़ा से जी जी। तो आप लोग कब से आए हुए हैं? हम यहाँ 8-10 दिन से आए हैं। 8-10 दिन से आए हुए हैं तो मतलब विचार है कि आप 22 जनवरी तक रुकने का? हाँ हम रुकेंगे। यहाँ कहाँ रुकेंगे? यहाँ हमारा पीछे आप देख सकते हो पीछे हमारा श्री पंचदस नाम जूना अखाड़ा है जी जी। और ये माता जी ये महाराष्ट्र से आई है, ये माता जी गुजरात से आई है और ये माता जी ये सब इनके सेवक हैं। तो हम लोग यहाँ भगवान आ रहे हैं इस खुशी में यहाँ शिव पुराण चल रहा है, राम कथा चल रही है, भंडारा चल रहा है तो इसी खुशी में हम लोग शामिल होने के लिए आए। हमारे रामलला का नव निर्मित मंदिर तैयार हो रहा है, देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। एक सपना साकार हुआ। एक इंसान का घर बनता हो तो अच्छा लगता है, तो ये तो मेरे राम का घर बन रहा है क्यों अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगता है, जो चाहता वो मिल रहा है, उससे बहुत कुछ ज्यादा। हाँ बहुत और कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। जब भगवान आ रहे हैं तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि कोई महामारी ना आए, सब अच्छे से रहे और आने वाली न्यू जनरेशन को मेरा एक ही संदेश है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस दो, पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप कितना कुछ करते हैं बच्चों के लिए और आज के बच्चे सब कहीं ना कहीं ये समझने से बहुत परे हैं, पर मैं तो इतना ही कहूँगी कि खुश रहना हो तो माँ बाप को खुश रखो। जय श्री राम। आप कुछ बताइए दीदी अपना परिचय दो। श्री पंचदस नाम मैं श्री पंचदस नाम जूना अखाड़ा से हूँ और आप लोग साध्वी हैं? हाँ गुजरात से आई। जी 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 कुछ बताइए राम मंदिर के बारे में। इतने सालों के बाद फिर से राम वनवास खत्म करके आ रहे हैं तो बहुत ही हम खुश हैं और उसकी तैयारियों के लिए जो 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तैयारियों के लिए अभी से हम जुट गए हैं। हमारा पंचदस नाम जूना अखाड़ा जहाँ पे रोज़ 1 तारीख से स्टार्ट हो गए शिव महापुराण विष्णु पुराण भंडारा सब कुछ अभी से स्टार्ट हो गए तो बस हम उसी की तैयारियों में लगे। कोई दिक्कत परेशानी तो आपको यहाँ पर नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत। सब मेरे राम का है वो हमारा है, क्या दिक्कत है। एकदम सही बात। ये माता जी सुन लीजिए जो चाहा वो पाया आपने। मेरा राम को पाया। 500 वर्ष हुए हैं ना जी सबको दीदी राम जी का उस गर्भगृह में बैठना है ना जी। जो जनता हमें देख रही है इस समय उसको आप क्या बोलना चाहेंगी? जनता हमें देख रही है लेकिन ऐसा है ना ऐसा माहौल बना हुआ है हर गली हर गांव में सब राम जी के नारे लगा रहे हैं है ना, सब के हृदय में राम जी बैठे हैं और यहाँ लोग हमें देख रहे हैं उनको तो खुशी देखने के लिए लेकिन वहाँ भी वो लोग खुशी मना रहे हैं, पूरे भारत भूमि में खुशी मना रहे हैं लोग। यहाँ पे हमारे बजरंग बली हैं, प्रभु हमारे हैं माँ के साथ और ये इतनी अलौकिक प्रतिमा लग रही है प्रभु श्री राम की माँ के साथ पालनी में झूल रहे हैं।
और ये है दुर्गा मैया। इस तरह से ये पूरा मंदिर प्रांगण है अयोध्या नगरी का। ये देखिए यहाँ पर कितनी दुकानें हैं जो अभी भी बनी रही हैं। यहाँ पर कर दान बिना किए अग्निदाह नहीं होता, तो यहाँ पे अपने सड़े का टुकड़ा फाड़ करके यहाँ पर दान किए कर रही हैं कर के रूप में। मंदिर प्रांगण के बाहर ही बहुत सारी दुकानें हैं पूजा सामग्री की जो आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ कपड़े मिल रहे हैं हमारे प्रभु के, राम लला की हमारी, ये देखिए। सीता रसोई, आए चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं माँ की रसोई की। ये देखिए ये है मैया हमारी। ये है माँ सीता, प्रभु श्री राम और मैया लक्ष्मण। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सामग्री है भोजन तैयार करने की। यहाँ वशिष्ठ हैं और ये है हमारे प्रभु श्री राम। भाई झोला घड़े मोबाइल जमा कर दीजिए, जाएगा नहीं राम मंदिर। 10 रुपया लग रहा है, जमा हो रहा है और तो 10 गुना बढ़ा देना। एंड देखिए यहाँ पर जितनी दुकानें हैं सभी ही जोगिया रंग से रंगी हुई हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वाव। ये देखिए वाह, ये तो गजब का लग रहा है। मार्ग जो कि अयोध्या में अभी नया न्यू निर्माण हुआ है, देखिए। और अभी ये रास्ते बन ही रहे हैं, अभी रास्ते